ओ भाई साहब, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड ये जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। वो स्पेशल क्यों है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, लाइक इट्स बीन 29 और 30 वीडियोज, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट मैं अभी तक हमेशा एंड ऑफ द वीडियो में बोलता आया था कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। बट इस बार मैं पहले बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितनी भी एनालिटिक्स देखी है अपनी, और मुझे इतना तो पता चला है कि नॉट सब्सक्राइब्ड लोग जो हैं वो बस वीडियो देख के चले जाते हैं। मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस फैमिली के बारे में सोचो जो हमारी फैमिली बनी हुई है इतनी अच्छी, तो उस फैमिली को आगे बढ़ाते हैं और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, घंटा जो रहता है ना घंटा वो दबा लो, घंटा मत कर देना, घंटा दबा देना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इस लैपटॉप की, जो नया मेरा लैपटॉप है, उसकी स्पेसिफिकेशन जाननी है तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंड में ही स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। और देयर इज अ बोनस पॉइंट आल्सो कि थोड़ा सा भी मैंने को जितना भी टाइम मिला मैंने उसको यूज़ किया, उस पर अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसको यूज़ करके चला, मतलब उसको यूज़ किया मैंने। जो भी मेरे रिव्यूज रहेंगे वो मैं आपको बता सकूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इसी लॉकडाउन में मेरा जो ये लैपटॉप है इसकी बैटरी की प्रॉब्लम आ गई, तो ये विदाउट चार्जिंग चलता नहीं है, तो अभी ये बंद पड़ा हुआ है। ऐसे मत देखो यार कि मैं यूज कर रहा हूँ, ये बंद पड़ा हुआ है, ये शुरू नहीं हुआ, मैंने ऐसे ही प्रेजेंट करने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर हो गए। अब आप ये सोचोगे कि सिर्फ बैटरी प्रॉब्लम है तो नया लैपटॉप क्यों? रुको जरा, सबर करो। इस ये लैपटॉप में Core i3 प्रोसेसर है, इस लैपटॉप में कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, जो इनबिल्ट रहता है वही है, ठीक है। अरे और इस लैपटॉप में 4GB रैम थी। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक लैपटॉप में 2 रैम के स्लॉट होते ही हैं, मोस्टली हर एक लैपटॉप में, तो 4GB इसमें ऑलरेडी थी। मैंने 8GB की रैम खरीदी थी उस वक्त और मैंने इसमें नई वो रैम डाली और 12GB टोटल हो गई थी इसकी रैम, तब जाके इसमें Adobe Premiere Pro सॉफ्टवेयर चला था। उसके बाद मैंने कुछ एडिटिंग्स वगैरह करी और तब जाके पहली वीडियोस आई थी। तो अराउंड लास्ट वीक ऑफ सेकेंड लास्ट वीक ऑफ मे लास्ट मंथ मैंने सोचा यार ले लेते हैं। मैंने बहुत से लैपटॉप सर्च किए, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया कि इस ऐसे समय पे, कोरोना के जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे समय पे डिलीवरी होगी नहीं होगी, अगर होगी भी तो कैसा, मतलब एक वो रहता ना आपके दिमाग में कि यार ये टाइम सही है लेने का नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस बार ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर करने से पहले मैंने बहुत सारे लैपटॉप जो थे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सर्च किए, ठीक है। तो Lenovo Y540, Lenovo Y740, Dell Inspiron 7000 सीरीज, ठीक है। सो आई वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स Dell, तो इसलिए मेरे को Dell चाहिए था उस वक्त। और फिर मैंने डेल के इंस्पिरॉन सीरीज 7000 में जो हैं 7591, तो वो देखना शुरू करा। सो बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। ये जो बैग है, इस बैग के मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि बैग वो लोग साथ में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बैग जो है बहुत अनएक्सपेक्टेडली आया था। जब भी मैं अपना ऑर्डर का ट्रैक चेक कर रहा था, कि मेरा जो परचेज किया है उसका जो ट्रैक चेक कर रहा था, तब मेरे को 2 पैकेज दिखा रहा था वो, तो तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरा पैकेज है क्या, और दोनों पैकेज में एक ही डिटेल्स बता रहा था, कि उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मैं नीचे गया, जब मैंने ऑर्डर लिया, तब मुझे भैया ने बताया कि वो लोग बैग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली ये सर्विस, डिलीवरी सर्विस जो हुई है वो ब्लू डार्ट के थ्रू हुई है, तो बता रहे थे कि कुछ डिलीवरी सर्विसेज गए दे रहे हैं बैग, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअली ऑर्डर में आपका मेंशन नहीं रहता है कि बैग है, ओके। तो हमें तो लगता है कि हमने एक ही चीज़ ऑर्डर करी है,
तो उसके लिए हम पूछते ही नहीं कि हमारे पास बैग आया कि नहीं, बट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो सर्विसेज वालों को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये कहानी है बैग के पीछे। ओ भाई साहब, ये है चार्जर, मैनुअल, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी, ये सारे के सारे। थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं बस दो मिनट के लिए डेल को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि क्या पैकिंग भेजी है भाई साहब, क्या पैकिंग भेजी है, मज़ा आ गया देख के। ऐसी पैकिंग भाई, मैं तो दूसरी बार लैपटॉप ले रहा हूँ, पहली बार जब लिया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई पैकिंग नहीं थी, सिंपल सा एक लैपटॉप पकड़ाते थे। बट डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स, क्या कह सकते हैं। बताओ, मेरी चीज़ आने की खुशी में पटाखे बज रहे हैं। तो इसका प्राइस तो मैंने आपको बताया ही नहीं, प्राइस बता देते हैं भाई। इसका प्राइस है 1,34,000। ओके, इसको मैंने ऑर्डर किया था 29th को, थोड़े दिनों बाद अपडेट आई कि शिप हो चुका है आपका लैपटॉप, तो इट वॉज लाइक लास्ट वीक वेडनेसडे को ये वो आया था, मेल आया था कि आपका ऑर्डर जो है शिप हो चुका है, ठीक है। और आज कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लैपटॉप आएगा, तो जब ये लैपटॉप आया मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। तो जब ये लैपटॉप आया, इसकी अनबॉक्सिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो सोचिए मैंने सबसे पहले क्या चलाया होगा, सोचिए। एक वाइल्ड सा गेस मार के देखिए, एक छोटू सा पॉली सीरीज नहीं, देखिए आई कार्ड में लिंक पड़ा हुआ है, आई कार्ड इधर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो पॉली सीरीज देखिए, बड़ी अच्छी सीरीज है, मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत ओवर प्रमोशन, बता देते हैं स्पेसिफिकेशन, बता देते हैं। सो इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है ये 9th जनरेशन इंटेल कोर i9 प्रोसेसर, ओके, जिसमें 8 कोर्स हैं, याद रखिएगा ये बात। ऐसा स्पेसिफिकेशन शायद ही किसी लैपटॉप में अभी तक इस प्राइस रेंज में आया हो, शायद ही, गेमिंग लैपटॉप्स एसोसिएसर को छोड़ के। सेकंड, 16GB रैम है इसकी, ओके, 2666 मेगाहर्ट्ज, दो 8-8GB के स्लॉट्स हैं, ओके। थर्ड, 512GB SSD। चौथी चीज है जो ये है कि 15.6 इंच FHD 19x1080 रेजोल्यूशन पे एंटी ग्लेयर LED बैकलाइट नॉन टच वाइड व्यूइंग एंगल डिस्प्ले है। सो टू एड ऑन, इसमें इसके पोर्ट्स एंड स्लॉट्स में आपको एक HDMI केबल का स्लॉट मिलेगा, एक माइक्रो कार्ड रीडर का स्लॉट मिलेगा, तीन आपको USB के 3.1 जनरेशन वाले स्लॉट्स मिलेंगे, एक पावर वाला स्लॉट है और एक माइक्रोफोन प्लस हेडफोन का कॉम्बो स्लॉट है। उसके अलावा इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन आपको पहले से मिलेगा। इफ इन केस यू वांट विंडोज 10 प्रो, सो मुझे उस वक्त बता रहा था कि 12,000 प्लस मुझे पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा था वो, तो आई डेंट ऑप्ट फॉर इट, अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे होगी तो मैं आई बाय इट फ्रॉम समवेयर एल्स। सो दीज वर सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिव्यू पॉइंट्स। तो जो रिव्यू पॉइंट्स हैं वो मेरे एक दिन के एक्सटेंसिव यूज के ऊपर हैं, दीज आर बेसिकली अपॉन व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट द लैपटॉप। इट मे वेरी, अगर कोई और इसको यूज करता है तो शायद उसके लिए अलग हो, बट ये मेरे हिसाब से हैं। तो पहला जो रिव्यू पॉइंट है वो इसका न्यू लिड ओपन स्क्रीन का स्कैनर, जो बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही आप लैपटॉप को ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। द सेकेंड रिव्यू पॉइंट इज Within 1 hour it charges about 80%। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मैं जब भी टूर करता हूँ, जब भी ट्रैवल करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे चार्जिंग के लिए पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, या फिर अगर मिलते भी है तो मेरे पास बहुत कम समय रहता है, या फिर मैं होटल्स या फिर कहीं पे अगर मैं कैंप्स में रहता हूँ तो वहाँ तो चार्जिंग पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं।
और कभी कभी मुझे जल्दी निकलना होता है कहीं के लिए, तो मेरे पास टाइम कम होता है तो मुझे जल्दी से चार्ज करना होता है, तो उस वक्त ये अगर 80% मेरा लैपटॉप चार्ज कर दे रहा है तो आई कैन यूज इट फॉर द नेक्स्ट डे। थर्ड जो इसमें खूबी मुझे दिखी है वो बहुत ही लाइट वेट है ये लैपटॉप, और 1.87 किलोग्राम्स का है ये। इसके हिंजेस जो है बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको स्क्रीन निकलने की या फिर स्क्रीन टूटने की या फिर स्क्रीन जो कि बहुत ही लैपटॉप्स में देखी जाती है कि स्क्रीन हिंजेस स्ट्रांग नहीं है वहाँ से निकल रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट वेट की बात आती है तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मोस्टली लैपटॉप बैग मेरे कंधे पे ही होता है, बैकपैक भी कभी कभार मेरे कंधे पे होता है, तो बहुत ही हैवी हो जाता है मुझे ट्रैवल करने के लिए। तो 2.25 किलोग्राम्स का मेरा पिछला वाला लैपटॉप था और ये 1.87, तो ऑलमोस्ट हाफ किलो का डिफरेंस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा है लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो डिफरेंस अच्छा खासा है। फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली ऑन माय एक्सपीरियंस, जो कि मुझे लगा कि जब मैं एडिट कर रहा था तो बहुत ही सीमलेसली बहुत ही स्मूथ इसका जो भी परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था, बहुत ईजीली सब कुछ हो रहा था। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि यार मैंने जो भी ग्राफिक्स डाले हैं उसके लिए रेंडर होने के लिए मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ या फिर ऐसा कुछ भी। प्लस इसमें जो वीडियोस में कलर्स आ रहे थे बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया, मुझे वीडियो देखते वक्त ही अलग सी फील आ रही थी। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चार पॉइंट्स थे जो मुझे अच्छे लगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, ऐसे ही खुश रहो, मजे करो, ऐश करो और घर पे रहो। If you have liked this video, then do press that like button. If you have loved this video, then do share the video. And if you have not subscribed to the channel yet, then do subscribe to the channel. And this is me signing off, Aniruddha Sathe.